आज मैं आपको दो तरह की चटनी बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाएं। पहली चटनी शिमला मिर्च से बनाएंगे। इसके लिए शिमला मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, नींबू, चीनी, नमक, नारियल का बूरा और पानी की ज़रूरत होगी। 1/3 कप नारियल का बूरा, इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालें और इसे 5-7 मिनट के लिए ढककर रख दें। 1 शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया इसे अच्छी तरह से धो लें। 4 लहसुन की कली लें। 1 टेबल स्पून चीनी ली है, आप स्वाद के अनुसार चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच से 1/2 चम्मच नमक और 1.5 टेबल स्पून नींबू का रस। अब इन सभी को मिक्सर में डाल दें। नारियल का बूरा नहीं है तो आप इसमें ताज़ा नारियल भी कद्दूकस करके मिला सकती हैं। अच्छी तरह से पीस लें। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करती हैं तो इसमें हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा दें। शिमला मिर्च की टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। अब इसका उपयोग खमन, इडली, डोसा, पूरी, पराठा, पकोड़ा, सैंडविच में करें। कच्चे आम के पल्प से चटनी कैसे बनाएं? इसे स्टोर करके रखा है तो आप इस चटनी को जब मन करे तब बना सकती हैं। इसे स्टोर करके कैसे रखें, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 2 टेबल स्पून कच्चे आम का पल्प लें। चीनी मैंने 1 टेबल स्पून ली है, आप स्वाद के अनुसार चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, चाहे तो पिसी हुई चीनी लें। सभी मसाले 1 छोटी चम्मच से लिए हैं। नमक और हल्दी 1/4 चम्मच, सौंफ और जीरा और धनिया 1/2 चम्मच और मिर्च 1 चम्मच से थोड़ा कम है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करती हैं तो मिर्च की मात्रा बढ़ा सकती हैं। अब इसे अच्छी तरह से हिला दें। बस चीनी घुलते ही चटनी बनकर तैयार है। कच्चे आम के पल्प की यह चटनी मेहमान के आने पर आप तुरंत ही बना सकते हैं। कच्चे आम के पल्प की चटनी बनकर तैयार है।